भाई अगर आप भी दूध पीने के शौकीन हैं तो हमारा ये वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूध पीने का भाई मन ही ना करे। इस वीडियो में दोस्तों ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति भैंस का दूध निकाल रहा है और दूध निकालने के बाद वो इस दूध को पहले तो भाई खुद पीता है और फिर अपना छूटा दूध फिर से बाल्टी में डाल देता है। इतना ही नहीं, इसके बाद दोस्तों ये जनाब भैंसों को पानी पिलाने वाले बर्तन में से पानी निकाल कर दूध में मिला देता है। वो तो भाई अच्छा हुआ कि छत पर खड़े व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद भाई जो वीडियो वायरल हुई तो इसकी डेयरी को बंद कर दिया गया, लेकिन भाई व्यक्ति हो गया फरार। अब कुछ ऐसा ही भाई यहाँ भी देखने को मिला, जब ये दूध वाला घर की बालकनी के नीचे खड़े होकर दूध की कैन में आधी बाल्टी से ज्यादा पानी मिला रहा है। दोस्तों भारत की सड़कों पर बिकने वाला अनहाइजीनिक फूड के अनेकों उदाहरण तो भाई आपने देख लिए, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चीन के कुछ रेस्टोरेंट्स इस मामले में और भी घिनौने हैं। यहाँ के कुछ रेस्टोरेंट्स में गटर ऑयल या सीवेज ऑयल काम में लिया जाता है, जो कि सीवेज चैम्बर से निकलने वाले फूड वेस्ट से प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में चीन के कुछ ब्लैक मार्केट व्यापारी फूड वेस्ट में पाए जाने वाले गटर की छानबीन करते हैं और कीचड़ में मिक्स हुए फूड वेस्ट को बड़े बड़े बर्तनों में डालकर उबालना शुरू करते हैं, ताकि इसमें जो तेल मौजूद है वो ऊपर आ जाए। इसके बाद इस ऑयल को ड्रम्स में डालकर भाई रिसाइकिल किया जाता है और उन रेस्टोरेंट्स को बेच दिया जाता है जो खाना बनाने के लिए सस्ते तेल काम में लेते हैं। कुछ साल पहले भाई चीन के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गटर ऑयल पर रिसर्च की और इसके नुकसान देखते हुए इसे पूरी तरह से बैन भी कर दिया गया, लेकिन बैन होने के बावजूद भी सस्ता होने के चलते ब्लैक मार्केट्स में इस तेल को भारी मात्रा में बेचा और काम में लिया जाता है। अब जरा इन जनाब से भी आप मिल लीजिए, जो भाई चलते हुए नाव में दूध की कैन लेकर जा रहे हैं और रास्ते में नदी के पानी को इनमें मिला रहे हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों कि नदी के पानी में यार कितनी गंदगी हो सकती है, और ये गंदगी ये जनाब बड़े ही शौक से दूध में मिला रहे हैं। और इसके बाद जब ये दूध लोगों के घरों में जाएगा तो उनके स्वास्थ्य का तो भाई भगवान ही मालिक है। ऐसे लोगों के बारे में दोस्तों आपका क्या सोचना है हमें कॉमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आप भी बाजार से फल या सब्जी खरीदते हैं तो हमेशा आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपके साथ भी कुछ इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अच्छे अच्छे आम छांटकर ठेले वाले को भाई दे रहा है ताकि वो इसे तौल दे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे ही व्यक्ति ठेले वाले को अच्छे वाले आम देता है, वैसे ही पॉलिथीन की आड़ में उन अच्छे आमों को अपने पास रख लेता है और सड़े गले आम भाई ग्राहक को तौल कर सौंप देता है। अब ऐसे कुछ भाई इन जनाब ने भी किया, जिन्होंने ग्राहक के सामने अंगूर तौले और उसके बाद भाई थैली में पैक करने के बहाने अंगूरों को अपने पास नीचे रखा और बड़ी ही सफाई के साथ भाई ग्राहक की नजरों में आए बिना अपने पास पड़े कम वजन वाले अंगूर के पैकेट को पॉलिथीन में डालकर ग्राहक को दे दिया, यानी कि पूरे पैसे देने के बावजूद भी आपको सामान जो है वो कम मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी लाल मिर्च खाने के शौकीन हैं तो भाई हमारी ये वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो में ऐसा देखा गया है कि चूहों की पूरी फौज सूखी लाल मिर्च में डेरा जमाए हुए बैठी है। इसके बाद जैसे ही मिर्च को हिलाया जाता है वैसे ही ये चूहे बाहर निकल रहे हैं। अब आप खुद सोच ही सकते हैं दोस्तों कि इन चूहों ने इन मिर्च में कितनी गंदगी की होगी यार। मार्च 2022 के दौरान दोस्तों हरियाणा के हिसार में मौजूद न्यू ऋषिनगर इलाके से वायरल हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक पब्लिक टॉयलेट के ठीक पीछे सब्जी बेचने वाला एक शख्स टॉयलेट में गिरी हुई सब्जियां उठाकर इन्हें बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि महाशय ने पानी की बाल्टी तो भाई रखी हुई थी, लेकिन इससे उसने सब्जियों की बजाय सिर्फ अपने हाथ धोए। अब जरा सोचिए आप, ऐसी सब्जियां खाने वालों की सेहत जो होगी उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, चंद पैसों के लालच में लोगों को भाई टॉयलेट में गिरी सब्जियां बिना धोए बेचना किस हद तक सही है ये। खैर दोस्तों जो भी हो, जब भी आप बाहर से सब्जी खरीद कर लाएं तो इसे हमेशा अच्छी तरह से धोएं और फिर जाके उसे काम में ले। क्या पता जहां से हम सब्जी लाते हैं वहां भी इस तरह के घिनौने कांड हो रहे हों। दोस्तों भिखारी आपको बेवकूफ बनाने के साथ साथ चूना भी लगा सकते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में सिर्फ पान वाला है जो आपसे पूछ के चूना लगाते हैं कि सर कितना लगा दूं, वरना बाकी तो ऐसे ही लगा जाते हैं। अब बाकी लोग चूना कैसे लगाते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक अनाज की दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि दुकानदार के पास भीख मांगने कुछ महिलाएं आती हैं और उसके आगे हाथ फैलाकर उससे विनती करने लगती है, लेकिन असल में मैडम उसके आगे हाथ नहीं फैला रही, वो तो बस अपने पीछे खड़ी चोर स्वाति को चद्दर से कवर कर रही।
दोस्तों अम्मा एक सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए गई, लेकिन वहां जाकर भाई इन्होंने शॉपिंग कार्ट के बजाय अपनी साड़ी को इस्तेमाल किया। जी हाँ, और अपनी पसंद का सारा सामान इसमें भर लिया। लेकिन बेचारी के दुर्भाग्य से चेकआउट के समय इन्हें धर लिया गया और लगभग एक महीने का राशन भाई इनकी साड़ी से निकलवाया। ये वाकई में हैरान करने वाला है। अब जरा दोस्तों बिहार से रिकॉर्ड हुई इस वीडियो क्लिप पर भी आप नजर डाल लीजिए, जिसमें ऐसा देखा गया कि एग्जाम से पहले स्टूडेंट की अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है ताकि वो अपने साथ कोई नकल लेकर ना जा पाए। लेकिन जब इस स्टूडेंट की बारी आई तो तलाशी लेने पर इसके बाद भाई नकल का पूरा सामान बरामद हुआ। दरअसल दोस्तों इस लड़के ने अपने दोनों पैरों पर नोटबुक के पन्ने फाड़ कर रबर की सहायता से बांधे हुए थे। इसके बाद जब इस लड़के की पैंट खुलवाई गई तो पता चला भाई साहब जनाब ने अपनी गुल्लक तक में फर्रे छुपाए हुए थे। जी हां, जरा आप देखिए इस वीडियो को। अरे बाप, मम्मी से मांग रही कि दीदी से। अभी रिकॉर्डिंग हो गया इसका। अभी गया काम से। रबर किससे मांगा है? मम्मी से कि दीदी से कि कनिया से? अरे देख तेरा कृपा तो अभी रिकॉर्डिंग गया तुम। वाह, पूरा पूरा पोथिए ले आया है। पूरा पोथिए लाया है बे। अरे बाप, अरे तेरा के देखा कि भाई समुंदर ले चलते हैं, जितना मन होगा पानी पिएंगे और कुछ नहीं। चलो अब अंडरवियर खोलो, अब चलो अब तू अंडरवियर पे एग्जाम देगा तू। सब क्या करेगा? जूनियर क्लर्क का एग्जाम दे रहे दोस्तों सफेद रंग की शर्ट पहने ये लड़का अपनी आंसर शीट के नीचे फर्रे बनाकर भाई नकल करता है। इसके बाद ये कैमरे में कैद हो गया। हालांकि पास में बैठी लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए एग्जामिनर को इसके बारे में बता दिया। इसके बाद क्लास में बैठे सभी परीक्षार्थियों ने इसका विरोध किया। बात बिगड़ती देख कर लड़के ने अपने पास मौजूद सभी फर्रे खाना शुरू कर दिया और इसके बाद खिड़की के पास थूकने गया। एक लड़के ने इसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बेचारे की बदकिस्मती का सारा नजारा सीसीटीवी में भैया हो गया कैद। देख रहे हो विनोद? नकल के मामले में दोस्तों पाकिस्तानी लड़कियां भी कम नहीं है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में मैम लड़की से सवाल करती है और ये धड़ाधड़ भाई साहब इसका जवाब भी देती है। स्टूडेंट से शानदार जवाब सुनकर मैडम सोच रही होंगी कि मेरी स्टूडेंट भाई कितनी ब्रिलियंट है, लेकिन सच तो ये है कि ये लड़की कुछ और ही कांड कर रही थी। देखिए। यस मैम, फॉर्मल नॉर्म्स क्या होते हैं? मैम फॉर्मल नॉर्म्स वो होते हैं जो रिटन डाउन होते हैं, उनकी प्रॉपर पनिशमेंट्स होती हैं। मुझे बताएं कल्चरल गैप क्या चीज़ है? मैम कल्चरल गैप अ गैप बिटवीन टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मॉरल एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप मुझे बताएं सोशल स्ट्रक्चर क्या है? मैम सोशल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने भाई अपना आधा एग्जाम खुद किया और आधा उसकी माँ ने, लेकिन टीचर इनसे भी ज्यादा होशियार निकली और इनकी ये नकल भाई उसने पकड़ ली। इसके बाद जब टीचर ने इसके बारे में पूछा तो माँ ने बताया कि उसके बेटे के हाथ में चोट लगी है जिसके चलते वो अपना पेपर लिख नहीं पाया। जरा देखो वीडियो। हेलो, हेलो रफ्तार। नहीं, पर आपने परमिशन तो ली नहीं ना ये वाली। मैम ये तो मैंने पहले शीट्स को देखते ही बोल दिया कि ये बच्चे की हैंडराइटिंग है ही नहीं। मैम फिर अभी एकदम टाइम नहीं था इसका एग्जाम, मैंने बस सोचा कि ये का बच्चा इतना खराब। सुबह आप सुबह बात कर सकते थे, कल रात को बात कर सकते थे, आप मॉर्निंग में बात कर सकते थे, स्कूल ऑफिस में बात करते, आप मेरे साथ बात करते। ओके मैम। अब दोस्तों जरा इन जनाब से भी आप मिल लीजिए जिनसे पूछा गया कि वर्चुअलाइजेशन भाई क्या होता है। सवाल सुनकर भाई जनाब ने सोचा कि क्यों ना इस मामले में गूगल से मदद ली जाए और लगे भाई धड़ाधड़ या गूगल से देखकर बोलने में, लेकिन बेचारे इस बात को भूल गए थे कि मीटिंग में उसकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। इसके बाद भाई क्या हुआ वो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन इज रनिंग ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जितेश, आर यू फैमिलियर विद दिस थिंग दैट योर स्क्रीन इज गेटिंग शेयर्ड? यू आर जस्ट टाइपिंग ऑन द गूगल एंड इट्स बीन रिफ्लेक्टेड टू ईच एंड एवरीवन ऑफ अस। You are making me fool. Running two operating systems on one computer. You have just, listen to me now. Neither you have created a new virtual machine, nor you are just known about the fact. You are just doing the cheating. उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी हाँ कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है? राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।